मेडिकल छात्रा की हत्या और रेप के मामले में सीबीआई की जांच अपने अंतिम चरण में है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में आरोपी संजय राय की भूमिका ही सामने आ रही है, उसका डीएनए भी मैच कर लिया गया है। वहीं ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन के मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें संदीप घोष के एक आलीशान फार्म हाउस का भी पता चला। कोलकाता से करीब एक घंटे की दूरी पर कैनिंग मध्य नारायणपुर में करोड़ों का ये आलीशान फार्म हाउस कई एकड़ में फैला हुआ है। फार्म हाउस में ये शानदार स्विमिंग पूल और फार्म हाउस के बीच में बनी ये खूबसूरत इमारत इसकी भव्यता को बढ़ा रही है। इमारत के ऊपर लिखा है संगीता संदीप विला। संदीप यानी संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, ये फार्म हाउस उन्हीं का है। शुक्रवार को जब ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए करप्शन के मामले में कोलकाता और हावड़ा में 5-6 जगहों पर रेड की, उस दौरान ईडी को संदीप घोष के विला का पता चला। इसके बाद ईडी संदीप घोष के बेहद करीबी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी को अपने साथ लेकर विला में गई। ईडी ने शुक्रवार को संदीप घोष के घर, उनके करीबी प्रसून चटर्जी के घर के अलावा करीब 6 जगहों पर रेड शुरू की। सूत्रों के मुताबिक ईडी को बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने सीबीआई की करप्शन की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या की जाँच कर रही सीबीआई सूत्रों से एनडीटीवी को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई की जांच आखिरी चरण में है। अब तक की जांच में आरोपी संजय राय की ही भूमिका सामने आ रही है। रेप और हत्या में उसके अलावा किसी और के शामिल होने के अब तक सबूत नहीं मिले हैं। संजय राय के खिलाफ चार्जशीट के लिए काफी अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई ने 10 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई को जो डीएनए रिपोर्ट मिली है उसे फाइनल ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया था, जहां एम्स के एक डॉक्टरों का पैनल डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन कर रहा है और ये फाइनल रिपोर्ट जल्द वापस सीबीआई को भेजी जाएगी। सूत्रों का दावा है कि एम्स की डीएनए पर फाइनल ओपिनियन के बाद जल्द ही सीबीआई इस मामले में जांच को निष्कर्ष तक पहुंचा देगी। मतलब साफ है कि सीबीआई मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में बहुत जल्दी ही कोर्ट में चार्जशीट दायर करने वाली है। हालांकि अब भी ये बड़ा सवाल है कि शुरुआत में मामले को क्यों दबाया और छिपाया गया, घर वालों को घटना की जानकारी देर से क्यों दी गई, लड़की का पोस्टमार्टम देर से शुरू क्यों हुआ और एफआईआर 20 घंटे बाद दर्ज क्यों हुई, क्यों इस मामले को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया। सीबीआई इसकी पूरी तह तक जांच कर रही है और क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है इसको भी देख रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।